टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप वन के मैच में मेजबान और दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने मार्क्स के लाठी चार्ज की बदौलत श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त देकर पहली फतह समेट ली। ऑलराउंडर मार्क्स ने 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से सिर्फ 18 गेंदों पर 59 रन की धुआंधार नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। अमेरिका की मारूफ टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि मैं रिटायर नहीं हुई। एक मकामी तकरीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विलियम्स ने मीडिया को बताया कि वापसी के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, अब मैं आप मेरे घर आ सकते हैं, मेरे पास कोच है, मैंने अभी तक रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा है। टेनिस स्टार ने मुमकिन रिटायरमेंट का इशारा देते हुए टेनिस में अपने मुस्तकबिल के बारे में बात की। उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट इनका आखिरी इवेंट होगा, लेकिन एक बैन अल-अक़वामी मैगजीन के साथ इनके जज्बाती इंटरव्यू के हवाले से मदाहों का ख्याल था कि वो टेनिस स्टार को आखिरी बार एक्शन में देख रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक लेजेंड स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि विराट कोहली को अब टी20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक विराट कोहली ने इतवार को टी20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ नॉट आउट 82 रन बनाए थे। कोहली के इस इनिंग्स की बदौलत भारत ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। इस मैच में भारत एक वक्त पर 31 रन पर 4 विकेट गिनवा दिए थे और जीत नामुमकिन लग रही थी, लेकिन कोहली ने अपने टी20 कैरियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली।